नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राघव पाम एनालिसिस पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर अवेलेबल रहता है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये एक मेल हैंड पाम है और इनकी उम्र अभी केवल 22 वर्ष ही है। और दोस्तों, इनके भी अपने करियर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और मैरिज रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। दोस्तों, हम इनके पाम की रेखाएं पढ़कर इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप नए हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहली नज़र में ये पाम मुझे रेक्टेंगल भी दिख रहा है और स्क्वायरिश भी दिख रहा है। स्क्वायरिश थोड़ा कम है और रेक्टेंगल थोड़ा ज़्यादा है। तो दोस्तों, ऐसे लोग अगर सेल्स और मार्केटिंग का काम करें तो वो उन पर सूट करता है। और दोस्तों, ये अंगूठा, ये जो पाम है, ये स्क्वायरिश थोड़ा कम है, तो दोस्तों मेहनती नॉर्मल होंगे, ना ज़्यादा आलसी होंगे ना ज़्यादा मेहनती होंगे। ये देखिए दोस्तों, अंगूठा काफ़ी अच्छा है इनके हाथ का और अंगूठे का फर्स्ट फ्लैंज मुड़ रहा है, तो नेचर इनका नॉर्मल होता होगा, ना ज़्यादा फ्रेंडली होगा ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एटीट्यूड दिखाते होंगे, नेचर इनका नॉर्मल होगा। दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो इनके अंगूठे के सेकंड फ्लैंज में ये हिस्सा गड्ढे में है। तो दोस्तों, ये दिखाता है कि ऐसे लोगों का कभी कभी ध्यान थोड़ा भटक जाता है, एक चीज़ पर ज़्यादा दिन फोकस नहीं कर पाते। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, कोई जैसे इन्होंने कोई एम चुन लिया कि मुझे इस पर चीज़ पर मेहनत करनी है, तो बीच बीच में ध्यान भटकता है ऐसे लोगों का, उस एम से डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इनके हाथ में धनुषाकार रेखा नहीं बन रही है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं या आप कहते हैं मौका मिलता है कुछ कर दिखाने का, तो उन चीज़ों में थोड़े इसे ये लोग चूक जाते हैं और बाद में ऐसे लोगों को अफसोस होता है कि उस टाइम पर वो निर्णय ले लिया होता तो सही रहता। ये देखिए दोस्तों, आप देखेंगे तो इनकी ये गुरु की उंगली, बृहस्पति की उंगली, सूर्य की उंगली से छोटी है। तो दोस्तों, ये इनके हाथ में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है। दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी सूर्य की उंगली बड़ी होती है और गुरु की उंगली छोटी है, तो दोस्तों ये दर्शाता है कि ऐसे इंसान मेहनत तो करते हैं लेकिन आखिर में सफलता को छू ही लेते हैं। दोस्तों, ये निशानी होती है किसी सफल व्यक्ति की। लेकिन दोस्तों, एक नेगेटिव पॉइंट ये भी आता है ऐसे लोगों में कि ऐसे लोगों में ईगो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है और छोटी छोटी बातों को आप कह सकते हैं बहुत सीरियस वे में ले जाते हैं कभी कभी। ये देखिए दोस्तों, इनके हाथ में सबसे अच्छा इनका एडवांटेज इनकी पिंकी फिंगर। दोस्तों, ये इसकी उंगली के, सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लाइन तक ध्यान से देखेंगे बिल्कुल पहुंच रही है। दोस्तों, ये इनमें काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट लाती है। दोस्तों, ऐसे एक तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, चाहे इन्हें लगे या ना लगे, लेकिन सामने वाला देख के समझ जाएगा कि इंसान कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है। और दोस्तों, ऐसे लोगों में कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी पाए जाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग फाइल हैंडलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, अकाउंटेंसी और फाइल वर्क हो गया, मतलब अकाउंट से जुड़े काम। और दोस्तों, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मनी मैनेजमेंट, पैसे को कब किस तरह कहाँ पर इन्वेस्ट करना है या लगाना है या सेव करना है, इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छे होते हैं। दोस्तों, मैंने एडवाइस दूंगा इनके जो ज़रूरी कागज़ हैं या फिर फाइल हैंडलिंग का काम है या अकाउंट हो गए इनके कुछ, और दोस्तों इनका मनी मैनेजमेंट ये खुद करा करें, अपने परिवार में किसी से ना कराया करें। और मतलब आप ऐसे समझिए जैसे पैसे को कब किस तरह कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ये सारे काम ये खुद करा करें, उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, बुध पर्वत नॉर्मल है, इस पर कोई भी खड़ी रेखा नहीं है। तो दोस्तों, बिजनेस सेंस इनमें नॉर्मल होगा, इतना अच्छा नहीं कह सकता मैं इसको। दोस्तों, ये बिजनेस वाला हाथ मुझे नहीं लग रहा है। देखिए दोस्तों, सूर्य पर्वत आप ध्यान से देखेंगे तो ये हिस्सा उठा हुआ है, ये हिस्सा भी उठा हुआ है। दोस्तों, ये हिस्सा थोड़ा गड्ढे में जा रहा है। दोस्तों, ऐसे लोग को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करना पड़ता है। अगर ऐसा गड्ढे वाला सूर्य हो तो दोस्तों वो सफलता तो दिलाता है लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद। दोस्तों, इनके हाथ में मुझे काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी दिख रहे हैं। दोस्तों, जितनी सफलता है उससे ज़्यादा इनके जीवन में रुकावटें आएंगी, वो मैं इनकी जीवन रेखा पर डिस्कस कर दूंगा,
इनके हाथ पर राहु रेखाओं का वार काफी ज्यादा हो रहा है, सफलता भी ज्यादा है और रुकावटें भी उनसे ज्यादा है। ये देखिए दोस्तों, शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, तो दोस्तों ये दर्शाता है कि ऐसे लोगों में आलस बिल्कुल नहीं होता और ऐसे लोग सुबह उठने में भी जल्दी उठ जाते हैं, आलस नहीं दिखाते। सॉरी दोस्तों, मेरे से गलती हो गई, आप ध्यान से देखेंगे ये फ्लैट नहीं है, ये उठा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, ये हिस्सा उठा हुआ है, ये फ्लैट नहीं है बिल्कुल भी। मेरे से गलती हो गई एनालिसिस करने में, ये हिस्सा उठा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे लोग आलस की आदत होती है, ऐसे लोग सुबह जल्दी उठने में आलस दिखाते हैं। मैं उल्टा बोल गया, मैंने ये हिस्सा देख लिया था, ये हिस्सा नहीं देखा। ये देखिए दोस्तों, इनके शनि पर्वत पर भी काफ़ी अच्छी धन देखा जा रही है, ये निकल रही है और ये भी जा रही है और यहाँ से भी मिल रही है और ये फोर भी बना रही है। तो दोस्तों बुढ़ापा इनका काफ़ी ज़्यादा मज़े में जाने वाला है और बुढ़ापे में ये इतना पैसा तो कमा लेंगे कि किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छा खासा धन जमा कर लेंगे बुढ़ापे तक। ये देखिए दोस्तों, इनका गुरु पर्वत ज़्यादा उभरा नहीं है और बहुत कम स्पेस घेरे हुए है। दोस्तों ये दर्शाता है कि इनको परिवार का और संसार, मतलब आसपास के यार मित्र जितने भी हो गए, मतलब पारिवारिक और सांसारिक सपोर्ट ठीक ठाक मिलेगा। इसे इतना अच्छा भी नहीं कह सकते और ये भी नहीं कह सकते कि किसी का सपोर्ट ही नहीं है, ये भी नहीं कह सकते, परिवार का नॉर्मल सपोर्ट रहेगा इनकी तरफ। ये देखिए दोस्तों, एक लाइन और दो लाइन, सॉरी मैं दो लाइन। दोस्तों ये दिखाता है कि ऐसे लोगों का ध्यान एस्ट्रोलॉजी और मिस्ट्री साइंस की तरफ जाता है। और दोस्तों ये मल्टीपल इनकम का साइन होता है, जितनी ज़्यादा लाइन होंगी इंसान उतने तरीके से इनकम करेगा। इनके हाथ में दो है, तो दोस्तों लगभग इनकी ये दो, एक जिंदगी में एक कभी ना कभी एक या एक बार दो या दो तीन दो या दो से ज़्यादा तरीकों से मल्टीपल इनकम करेंगे। दोस्तों चलते हैं अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल मुझे इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। दोस्तों इनमें शारीरिक ऊर्जा ठीक ठाक होगी, वही इनका डिल्यूटिन होगा, सुबह उठे जॉब वॉब पे गए और रात को खाना खाया सो गए। अंदरूनी मंगल ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन दोस्तों इस पर एक मंगल की रेखा है। दोस्तों ये इनको काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट दिलाएगी। दोस्तों ध्यान से देखते हैं, कुछ स्टार मिले शायद, मुझे ऐसा लगा इनके मंगल पर स्टार है। ये देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, फोटो थोड़ी ब्लर हो रही है, ये स्टार इनके मंगल पे बन रहा है। दोस्तों मैं इनसे कहूँगा कि अपने पर्सनल लेवल पर चेक कर लें कि अगर, देखिए दोस्तों ये रेखा काफ़ी ज़्यादा गहरी है, लेकिन इस रेखा का पता नहीं चल रहा कि ये रेखा काट रही है, हल्की सी है। मैं इनसे कहूँगा इसको बड़े ध्यान से देखें, यहाँ पर ये अपने हाथ पर इस जगह, कि अगर ये स्टार फॉर्मेशन हो रहा होगा तो दोस्तों इनको ज़मीन जायदाद का भी काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला है। इनके पास अच्छी मात्रा में ज़मीन जायदाद होगी अगर ये स्टार बन रहा होगा, तो ये बुढ़ापे तक अच्छी मात्रा में प्रॉपर्टी बना लेंगे। देन से कहूँगा अपने पर्सनल लेवल पर चेक कर लें, इधर ये इनके हाथ में स्टार बन रहा है नहीं। ये देखिए दोस्तों, भारी मंगल भी ठीक ठाक है। तो दोस्तों एक इनका कह सकते हैं कि जब किसी से मिलेंगे तो नॉर्मल एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और दोस्तों जब वक्त की मार पड़ती है, यानी जब बुरा समय आता है, तो ऐसा इंसान अपना आपा नहीं खोता। आप कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि हद से ज़्यादा प्रेशर डालने पर वो कोलैप्स हो जाते हैं, इनके केस में ऐसा नहीं है। वक्त का इनके पास बुरा वक्त आएगा तो ये टिके रहेंगे, कोलैप्स नहीं होंगे। ये देखिए दोस्तों, शुक्र पर्वत नॉर्मल है, न ज़्यादा उभरा हुआ है न ज़्यादा बेकार है। तो दोस्तों दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती होंगी, पानी अच्छा लगता होगा और नई नई चीज़ें करने का शौक होगा। और देखिए दोस्तों, ये हाथ वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें उतार चढ़ाव की बहुत सारी रेखाएं दिख रही हैं मेरे को, और नॉर्मल लोगों से तो काफ़ी अलग ही हाथ है, मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि ज़्यादा अलग है, लेकिन रेखा अच्छी है, कन्फ्यूज़ कर देती हैं कभी कभी। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक कन्फ्यूजिंग रेखा है, मुझे साफ साफ नहीं दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये अगर इनके हाथ में स्क्वायर बन रहा होगा, मैं यहाँ भी कहूँगा कि अपने पर्सनल लेवल पर चेक कर लें,
किन के हाथ में इस जगह पर स्क्वायर बन रहा है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो मुझे दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये जो रेखा जा रही है हल्की है या फिर डार्क है ये समझ नहीं आ रहा। मैं इनसे कहूँगा कि अपने पर्सनल पेपर चेक कर लें, अपने हाथ में देख लें एक बार ध्यान से। तो अगर स्क्वायर बन रहा होगा तो ऐसा इंसान सच्चाई पसंद इंसान होता है, और ऐसे इंसान को झूठ कभी पसंद नहीं आता। ये देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इनके यहाँ पे ट्रायंगल भी बन रहा है। दोस्तों इस रेखा का मैं नहीं कह सकता, ये रेखा शायद आधी लग रही है, ये हिस्सा मुझे खाली लग रहा है और ये हिस्सा भी खाली लग रहा है। दोस्तों अगर ये ट्रायंगल इनके हाथ में पूरा बन जाता है, या फिर इनके इस जगह पर कोई ना कोई छोटा ट्रायंगल बन रहा होगा, तो दोस्तों ये संकेत करता है कि ऐसे लोग आखिर में जाके विदेश में सेटल हो जाते हैं। दोस्तों ये विदेश यात्रा दर्शाता है, विदेश सेटलमेंट दर्शाता है। दोस्तों इनके हाथ में बन रहा है लेकिन ये पूरा नहीं बन रहा। दोस्तों वक्त ये रेखा बदलती रहती हैं, और क्या कहते हैं, टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। अगर ये पूरा बन जाता है तो ये 100% विदेश में यात्रा करेंगे, विदेश में जाके सेटल होंगे, एक चीज़ तो ज़रूर होगी। और ये देखिए दोस्तों, इनके हाथ में सबसे अच्छा मुझे शुक्र पर्वत लगा। शुक्र पर्वत काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे पूरे हाथ को, तो इस वाले शुक्र पर्वत ने काफ़ी ज़्यादा हिस्सा इनके हाथ में घेरा हुआ है। इससे ज़्यादा बलून आप कह सकते हैं, बलून की टाइप उठा हुआ है हिस्सा। और देखिए दोस्तों कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है शुक्र पर्वत ने। दोस्तों शुक्र का इनके जीवन पर प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा। आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग अपनी लग्जरी पर नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। दोस्तों ऐसे लोग अपनी प्रेजेंटेशन पर काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, नए क्या कहते हैं, हर वैरायटी के कपड़े रखना, हर तरह के जूते रखना, थोड़े दोस्तों इस तरह के लग्जरी वाले शौक होते हैं, और ऐसे लोग इन शौकों को पूरा भी करते हैं। और दोस्तों ये लग्जरी की तरफ काफ़ी ज़्यादा भागेंगे, आप कह सकते हैं सुख संपन्नता की तरफ काफ़ी ज़्यादा भागेंगे, और जैसा इनका शुक्र पर्वत है मुझे देखकर लग रहा है कि वो इन्हें मिलेगी भी। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है, दोस्तों नॉर्मल लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये वाली बात इनमें काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन दोस्तों एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है, ये देखिए दोस्तों कितनी सारी इनकी कटाव लाइन है, ये 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 तो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। दोस्तों जब किसी के हाथ में ऐसी लाइन हो तो आप समझ जाइए दोस्तों, ऐसे लोग जब भी कोई नया काम करने निकलते हैं दोस्तों 100 बाधाएँ पहले खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ इनके जीवन में होता होगा, या होता आ रहा होगा, या होने वाला होगा। तो ऐसे लोगों की पहचान होती है, ये कुछ भी नया काम करने निकल जाएं 100 बाधाओं से पहले एक काम एक बार में पूरा नहीं होता होगा। 2-3 बार जैसे कुछ काम करने निकले तो वो काम 2-3 बार में पूरा होता होगा। तो ऐसा ये शुक्र पर्वत दिखा रहा है दोस्तों। ये अड़चन रेखा होती हैं, जितनी ज़्यादा होंगी ऐसा इंसान के काम उतनी ज़्यादा अड़चनों में होंगे। तो चलते हैं इनकी हार्टलाइन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी तीनों रेखा इनके पाम के कलर से कितनी डार्क है, आप ध्यान से देखिए दोस्तों। आपको ध्यान से देखने पर ऐसा लगेगा, मतलब नॉर्मल देखने पर भी ऐसा लगेगा जैसे इस जगह पर मेहंदी लगाई गई है। तो कुछ रेखा लोगों की रेखा होती है दिखती नहीं है, इतनी हल्की होती हैं। और दोस्तों इनकी तो रेखा ऐसी है जैसे मेहंदी लगा दी हाथ पर, इतनी डार्क। दोस्तों ये दिखाता है कि इन तीनों का प्रभाव भी इनके जीवन पर काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। ये देखिए दोस्तों, चलिए इनकी हेडलाइन देखते हैं। इनकी हेडलाइन यहाँ से निकली और ये यहाँ पर पहुँच गई। देखिए दोस्तों, जब किसी की हेडलाइन ऐसे गुरु पर्वत तक पहुँच जाए दोस्तों, ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा सच्चाई पसंद और काफ़ी ज़्यादा ईमानदार होता है। और किसी के 100 रुपये भी उधार ले लिए हो तो 100 सामने से आकर वापस कर देते हैं ऐसे लोग। और दोस्तों एक मैं बताना भूल गया, सॉरी अभी तो बता ही देता हूँ। तो जब किसी की हार्ट लाइन गुरु पर्वत चली जाए दोस्तों, मैंने सजेस्ट करूँगा ऐसे लोग भावुकता में आकर काफ़ी ज़्यादा निर्णय लेते हैं। दोस्तों मैं कहूँगा जब इन्हें कोई अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हो दोस्तों, ऐसे लोगों की आदत होती है ये भावुक होकर, यानी दया खाकर या कह सकते हैं इमोशनल होकर निर्णय लेते हैं। दोस्तों ये जब भी कोई बड़े अपनी ज़िंदगी के बड़े डिसीजन लें तो उस पर इमोशन को साइड हटाकर पूरे दिमाग से बिल्कुल सहमत होकर कोई भी डिसीज़न लें। दोस्तों ऐसे लोग भावुक होकर काफ़ी दिन डिसीजन ले लेते हैं, और बाद में फिर वो गलत भी हो जाते हैं कभी कभी, और काफ़ी कभी कभी सही भी होते हैं। ये देखिए दोस्तों, इनकी हार्ट लाइन शुरू में तो पता नहीं चल रहा कि निकल कहाँ से रही है, मैं कोशिश करता हूँ देखने की। यह इनकी हार्ट लाइन यहाँ से निकली,
और ये चलती जा रही है, और ये अच्छा ठीक है फोर्क बना रही है लास्ट में। दोस्तों हार्ड लाइन काफ़ी ज़्यादा इनकी बढ़िया है, ये भी ऐसा लग रहा है कि मेहंदी लगा दी हो हाथ पे, इतनी डार्क है ये भी तो हार्ट लाइन, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, ये माइंड लाइन है इनकी, माइंड लाइन भी इनकी काफ़ी बढ़िया है और डार्क भी है। ये देखिए दोस्तों माइंड लाइन पर जो फोर्क है दोस्तों, ये दर्शाता है कि ये एक्चुअल में फोर्क नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट देगा इनके जीवन में दोस्तों। इन्हें कभी ना कभी आप कह सकते हैं भाई की तरफ से, फूफा की तरफ से, पिता की तरफ से या जीजा की तरफ से, इन चारों में से किसी ना किसी एक की तरफ से इनको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा दोस्तों। ये एक नेगेटिव पॉइंट चलाता है कि ऐसे लोगों को जब किसी का ऐसे मंगल की तरफ फोर्क बन जाए दोस्तों, ऐसा इंसान रिश्तेदारी में आर्थिक नुकसान उठाता है। वो रिश्तेदार चारों में कभी कोई कोई भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों नॉर्मल लोगों के वो चार रिश्तेदार यही होते हैं, पिता, भाई, जीजा या फूफा। ये चारों में से कोई ना कोई एक जीवन में एक बार इनको आर्थिक नुकसान करवाएगा, यानी पैसे से नुकसान। और देखते हैं दोस्तों इनकी माइंड लाइन में कुछ मिले हमें, बाकी इनकी माइंड लाइन ठीक है। और दोस्तों इनके जितने भी सवाल थे करियर ग्रोथ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा और जॉब वॉब के और शादी से रिलेटेड, दोस्तों वो सब हम इनकी जीवन रेखा पर डिस्कस करते हैं। ये देखिए दोस्तों इनकी जीवन रेखा यहाँ से निकली, और देखिए दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी जीवन रेखा भी काफ़ी बेहतरीन जा रही है। और दोस्तों सबसे डार्क मुझे जीवन रेखा ही दिख रही है दोस्तों, ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। ये इनके जीवन में कैसा भी टाइम आ जाए ये अस्थिर नहीं होंगे। और ये देखिए दोस्तों ये रेखा, ये वाली रेखा दोस्तों, जब इनकी एज लगभग 30 के आसपास हो जाएगी, इनको पेट की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब पेट में हाजमा ना होना, गैस बनना और इस तरह की चीज़ें। दोस्तों मैंने सजेस्ट करूँगा ये अभी से तला भुना जो भी चीज़ होती है भारी नॉन चाइनीज़ फूड उस पर कंट्रोल करें दोस्तों, 30-35 के बाद इनको पेट की समस्या रहने वाली है। ये इतनी सी लाइन में दोस्तों काफ़ी पेट की समस्या दे देती है, ऐसे लोगों को रेगुलर गैस की प्रॉब्लम हो जाती है अराउंड 40 के आसपास आके। दोस्तों इस साथ में सबसे इंटरेस्टिंग इनकी लाइफ लाइन है, इस पर काफ़ी ज़्यादा उतार काफ़ी ज़्यादा चढ़ाव है, मैं एक एक को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ से देखते हैं आप, ये देखिए दोस्तों लगभग 22 या 23 में एक ऑफ शूट है दोस्तों, ये ऑफ शूट है लेकिन ये काट क्यों रहा है जीवन रेखा को दोस्तों, ये ऑफ शूट नहीं है, ये जीवन रेखा को काट के जा रहा है दोस्तों। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ये आप इसको राहु रेखा माने दोस्तों। ये 22 या 23 के आसपास इन्हें कोई आर्थिक नुकसान या छोटी मोटी बीमारी कह सकते हैं या कोई असफलता है, कोई निराशा, इन चारों चीज़ों में से एक इनको देकर जाएगी दोस्तों। जब कोई ऐसी रेखा जीवन रेखा को काट दे दोस्तों, इस एज में कुछ ना कुछ छोटी मोटी असफलता हाथ लगती है, मतलब जो भी काम करने चलते हैं वो पूरा नहीं हो पाता। ये देखिए दोस्तों फिर एक राहु रेखा ने काटा 24 में, ये भी इनको कोई निराशा या कोई असफलता देकर जाएगी। ये देखिए दोस्तों इनकी जीवन रेखा थोड़ी लेट निकल रही है, लगभग यहाँ से निकल रही है दोस्तों, लगभग ये 27-28 से थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं दोस्तों। आप कह सकते हैं दोस्तों ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी के प्रति थोड़े सीरियस नहीं होते हैं, मतलब सीरियस में इन द सेंस ये नहीं कह रहा, आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी का मेन एम नहीं पता पड़ता दोस्तों। इनकी जीवन रेखा बाद में निकल रही है, काफ़ी अच्छी निकल रही है, तो दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा 27-28 तक, और 24 में राहु रेखा ने काट दिया। और दोस्तों इनका सवाल शादी का भी था दोस्तों, इनके शादी के इस एज में दो योग बन रहे हैं, मैं दोनों योगों को ब्रीफ में डिस्कस करता हूँ। देखिए दोस्तों या तो इनकी शादी 25 या 26 में हो जाएगी, ये रेखा दर्शा रही है, लेकिन दोस्तों इनकी हाथ में दूसरा योग भी दिख रहा है मेरे को, ये रेखा काट रही है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्ता आया और बनते बनते टूट गया दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है इनके हाथ में।
तो आप समझ लीजिए या तो इनकी शादी 25-26 में हो ही जाएगी, और अगर इस एज में नहीं होती है तो लगभग आप मानिए 28 या 29 के बीच इनकी शादी 100% हो जाएगी। तो ये दो योग बन रहे हैं, या तो 25-26 की, 25 या 26 में, अगर इस एज में नहीं होती है तो 28-29-30 में आप मान के चलें, 30 में बहुत लास्ट कह रहा हूँ, 28 या 29 में हो जाएगी। लेकिन देखिए दोस्तों, 26 के बाद कितनी बड़ी राहु रेखा ने इनको काटा, तो ये भी इनके कोई असफलता है, कोई निराशा दिखाएगी इनके जीवन में। और लगभग देखिए दोस्तों, 29 या 30 के बाद इनके जीवन में सेटलमेंट आना शुरू होगा, कह सकते हैं अच्छी इनकम हो जाना या फिर प्रमोशन हो जाना, कुछ कैसे ऐसे कह सकते हैं आप। तो 30 के बाद जीवन रेखा निकली दोस्तों, 30 के बाद इन्हें लगेगा कि हाँ भाई अब मैं वेल सेटल्ड हूँ, 30 साल की उम्र में ये सब कुछ ट्राई कर लेंगे, इन्हें पता चल जाएगा कि अब आगे ज़िंदगी में करना क्या है और किस तरह से मुझे आगे लाइफ में बढ़ना है, ये इनको सब नॉलेज हो जाएगी लगभग 29-30 के बाद। और दोस्तों फिर देखिए, लगभग 30 में एक राहु रेखा ने काटा, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये कोई हल्की फुल्की 1-2 महीने की टेंशन सी देखे जाएगी बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। देखिए तो फिर इनकी जीवन रेखा निकली और काफ़ी ज़्यादा बेहतर निकली दोस्तों, इसके बाद इनका जीवन स्थिर हो जाएगा। और फिर देखिए दोस्तों, लगभग 33 में एक राहु रेखा ने काटा, और देखिए दोस्तों 33 में राहु रेखा ने काटा है और 34 में इनके हाथ में एक ऑफ शूट है, और दोस्तों ये काफ़ी बड़ा ऑफ शूट है दोस्तों, ये दिखाता है कि 34 के आसपास आप दोस्तों, ये पामिस्ट्री है, मैं इनकी जीवन रेखा में जो भी एज बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट एज नहीं होती है, आप उस एज को बिल्कुल भी ना माने, आप उस एज को 1-2 साल आगे पीछे कर लीजिएगा, मतलब जो मैंने इनकी शादी बताई 24 25 25 में बताई दोस्तों, लगभग 24 या 26 मान के चलिएगा, ये 3 साल का दोस्तों, मैंने जो राहु रेखा भी बता रहा हूँ आप उनको उस एज में मत मानिएगा, उसके पीछे वाला 1 साल जोड़ लीजिएगा, उसके आगे वाला 1 साल जोड़ लीजिएगा, जो भी चीज़ होंगी ये इन 2 सालों के बीच होंगी दोस्तों। पामिस्ट्री में एग्जैक्ट एज कोई नहीं बता पाता है, बस एक हम अनुमान बता देते हैं कि इस एज में ये होगा दोस्तों। मैं 34 कह रहा हूँ, इनके ये 34 में कोई भारी सफलता मिलने वाली है, भारी सफलता मतलब कोई प्रमोशन या फिर कह सकते हैं कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, कुछ जो भी होगा काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डार्क ऑफ शूट निकल रहा है ये दोस्तों, 34 में है, तो मैं इनसे कहूँगा ये मान के चलें 34 है तो 33 या 35 के बीच ऐसा कुछ होगा। देखिए दोस्तों, फिर 34 के बाद नॉर्मल चलेगा सब कुछ। देखिए दोस्तों, लगभग 42 के आसपास मान लीजिए, 42 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा, ये भी इनको कोई टेंशन, 10-15 दिन की कोई ठीक ठाक सी बीमारी जो इनका 1-2 लाख खर्च कर देगी कुछ ऐसा, या फिर कोई आर्थिक नुकसान या कोई असफलता, कोई निराशा कोई इनके हाथ लगने वाली है। और दोस्तों लगभग इसी एज में 42 या 43 मान लीजिए, 41 के आसपास एक हल्का सा ऑफ शूट है दोस्तों, इनको कोई आर्थिक नुकसान तो जाएगा लेकिन उसके साथ साथ इन्हें कोई इनका कोई काम बन जाएगा जो भद्रों से अटका होगा, या फिर कोई सफलता मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, लगभग 42 के आसपास ये जीवन रेखा नीचे भी जा रही है, तो दोस्तों ये दिखाती है कि 42 के आसपास इनके हाथ में किसी नियर एंड डियर की डेथ हो जाएगी दोस्तों। फिर आप मान लीजिए 42 के बाद 50 दोस्तों, 50 में एक भारी ऑफशूट निकला दोस्तों, ये भी इनको कोई बड़े लेवल की सफलता दिलाएगा दोस्तों, ये तो काफ़ी बड़ा है दोस्तों, ये मान लीजिए ये इनको कोई बहुत भारी कह सकते हैं, जो एक लाइफ चेंजिंग सफलता होती है वो आएगी इनके जीवन में। और देखिए दोस्तों, ऑफशूट मैंने दिखा दिया, और ध्यान से देखेंगे दोस्तों, लगभग 50 मैंने बताया, 50 के आसपास ही, 51 या 52 में एक कह सकते हैं राहु रेखा जा रही है ये दोस्तों, जितनी भी ये राहु रेखा जीवन को काट रही है, इसने काटा, इसने काटा, इसने काटा, इसने काट दिया, इसने काट दिया दोस्तों, ये सब दिखाते हैं कि ऐसे लोग के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं दोस्तों, ऐसा ही कुछ काम इनका 50 के एज में बनते बनते बिगड़ जाएगा, ये कोई असफलता, कोई निराशा होगी या फिर कोई आर्थिक नुकसान छोटा मोटा। और ये देखिए दोस्तों, लगभग ये ऑफ शूट निकला 50 में दोस्तों, 55 में एक ऑफ शूट निकला, ये भी इनको कोई सफलता दिलाएगा, कोई काफ़ी अच्छी सफलता होगी वो,
अच्छे लेवल की सफलता होगी, या कोई बहुत दिनों से अटका हुआ कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, या कोई बहुत दिनों से अटका हुआ कोई काम बन जाएगा, या प्रमोशन हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। देखिए दोस्तों, लगभग 57 में किसी नियर एंड डियर की डेथ दिखाई दे रही है मुझे इनके हाथ में। दोस्तों एक नियर एंड डियर की डेथ मुझे 60 में दिखाई दे रही है, 60 साल की एज में। देखिए दोस्तों, फिर इनके जीवन रेखा सीधी चलती जा रही है, फिर लास्ट तक कोई ना उतार है ना कोई चढ़ाव है। दोस्तों मैंने इनके जीवन के सारे उतार चढ़ाव डिस्कस कर दिए, कब कब इनको निराशा हाथ लग सकती है और कब कब इनको इनके जीवन में सफलता आएगी, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। दोस्तों शादी के इनके जीवन में दो योग बन रहे हैं, या तो 25 में हो जाएगी या 28-29 में, तो 100% ही हो जाएगी। दोस्तों बात रही इनके करियर जॉब की, दोस्तों बिजनेस वाला हाथ बिल्कुल नहीं है, मैंने सलाह दूंगा कि बिजनेस ना करें। और दोस्तों जॉब इनकी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन जॉब इनकी आराम से लग जाएगी। दोस्तों 30 के बाद तो इनका जीवन सेटल है, कह सकते हैं 30 तक थोड़ा कह सकते हैं जॉब के लिए भटकेंगे या लगेगी तो इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों 30 के बाद अच्छा खासा प्रमोशन आ रहा है इनके हाथ में, या फिर कोई बड़े लेवल की जॉब लग जाएगी। तो दोस्तों मैंने इनका पूरा पाम एनालिसिस कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि इन्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।